मॉर्निंग। आज मैं हैदराबाद से निकल रही हूँ। मैं ऐसे तो मेरे रेलवे पर्सन हूँ, रेलवे में मेरे सर्विस थी तो मुझे फ्री पास मिलती है, और साल में दो, क्योंकि मैं रिटायर्ड हूँ, साल में दो बार थ्रू आउट इंडिया कहीं से कश्मीर टू कन्याकुमारी कहीं भी मैं जा सकती हूँ, और एसी टू टायर का तक मुझे अवेलेबल है। और अगर एसी फर्स्ट में जाती हूँ तो मुझे जरा सा डिफरेंस फेयर देना पड़ता है। ऐसे तो पास मुझे मेरे हस्बैंड की और मेरे दोनों का है, मेरे डिपेंडेंट कोई नहीं है, तो दोनों का हस्बैंड वाइफ को मिल जाता है पास, और एक असिस्टेंट भी मिलता है, वो भी फ्री है पर वो स्लीपर में जा सकते हैं। और आज मैं निकल रही हूँ। मेरा आज विशाखा एक्सप्रेस में 25/4 का एसी टू टायर का टिकट था, मेरे और मेरे हस्बैंड का, पर हस्बैंड तो मेरे साथ ट्रेवल किए नहीं, तो सिर्फ मैं ही ट्रेवल करने वाली थी, पर क्योंकि मैं ये मेरा टिकट कंफर्म भी था, या और ये मेरा रेलवे आई कार्ड है, मतलब रेलवे जब मैं ट्रेवल करती हूँ तो ये मेरे हस्बैंड का और ये मेरा दोनों का इसमें आइडेंटिटी रखा हुआ है, तो इसको मुझे साथ लेना पड़ता है जब भी मैं रेलवे में ट्रेवल करती हूँ। ये मेरा आई कार्ड है रेलवे का, और ये पास मुझे मिलता है, ये लाइट ग्रीन कलर का है, ये फर्स्ट क्लास पास है, तो यही रेलवे का पास होता है। साल में मुझे दो बार मिलती है, थ्रू आउट इंडिया कश्मीर टू कन्याकुमारी कहीं से कहीं मैं जा सकती हूँ। हम हस्बैंड वाइफ और एक असिस्टेंट भी मिल जाता है, तो कोई भी मेरे साथ एज ए असिस्टेंट ट्रेवल कर सकता है। लेकिन बात यह है कि मैं आज रेलवे से नहीं जा रही हूँ, मतलब ट्रेन से मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, तो बच्चों ने छोड़ा नहीं। हैदराबाद में मेरे बेटी दामाद रहते हैं, तो वो ज़बरदस्ती इंडिगो फ्लाइट में टिकट बना दिया है, तो मेरा फ्लाइट है शाम के 5 बजे करीब, 2 घंटे पहले तो जाना पड़ेगा चेक इन के लिए, और फिर मैं एयरपोर्ट का थोड़ा सा ब्लॉक डालूंगी जितना दूर हो सके, जब तक मतलब मोबाइल अलाउड होगा मैं थोड़ी सी ब्लॉक डालूंगी। ऐसे तो मुझे ट्रेन में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है, पर फ्लाइट में जाऊंगी तो बस फ्लाइट में बैठ के आंखें बंद कर लेना है और कुछ नहीं, तो फिर 1-1.5 घंटे में उतर भी जाऊंगी। ऐसे तो ट्रेन में 23 घंटा लगता है और फ्लाइट में सिर्फ एक